मोनिका सुल्फ वैमी इंटरनेशनल स्कूल नया गाँव. टुडे वी विल बी डूइंग द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट टू द एज ऑफ रेवोल्यूशंस. नाउ एज ऑफ रेवोल्यूशन वॉज 1830-1848 एज कंजर्वेटिज्म रेजिम ट्राइड टू कंसोलिडेट देयर कंट्रोल लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी एसोसिएटेड विद रेवोल्यूशंस इन मेनी रीजन्स ऑफ यूरोप. यहाँ पर ये बहुत सारी जगहों पर ये चीज़ लेके आए थे. द फर्स्ट इन द सीरीज ऑफ दीज रेवोल्यूशंस वॉज द जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ 1830 इन फ्रांस. जुलाई रेवोल्यूशन हुआ था 1830 में फ्रांस में. द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड अपस्प्रिंग्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप. अब ये वाला जो रेवोल्यूशन था ना उसने बहुत सारे पार्ट्स में यूरोप के लोगों के दिमाग में ये चीज़ निकाली थी. उनको एनकरेज किया था कि वी शुड रिवोल्ट, वी वॉन्ट फ्रीडम, वी शुड बी इंडिपेंडेंट. ये चीज़ वो लोग यहाँ लेके आए थे. सच सेंटिमेंट्स लेड टू द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 दैट रिकग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंस नेशन. इसका असर क्या हुआ कि यहाँ पर ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में जो साइन हुई थी उसने ग्रीस को एज ए इंडिपेंडेंट नेशन उन्होंने उसको देखा, ग्रीस को. देन रोमैनटिसिज्म एंड नेशनलिज्म. नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू टेरिटोरियल एक्सपेंशन. कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन. आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस इन शेप नेशनलिस्ट फीलिंग्स. यहाँ पर देखो सिर्फ नेशनलिज्म किससे होता है, टेरिटोरियल एक्सपेंशन से नहीं. द म्यूजिक, द कल्चर, द ट्रेडिशंस, वो सारी चीज़ें जब एक साथ आई और उसके थ्रू लोगों को समझाया गया कि वाई यू शुड फाइट फॉर योर नेशन, वाई यू शुड नीड इंडिपेंडेंस, थ्रू म्यूजिक, थ्रू स्टोरीज, थ्रू ड्रामाज, दे टॉट देम, दे एक्सप्लेन द पीपल, बिकॉज द पीपल हु आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, दे वर इलिटरेट. सो फॉर देम दिस वॉज द थिंग टू टीच देम दैट हाउ टू रिवोल्ट. एंड रोमैंटिज्म प्लेड अ क्रूशियल रोल इन अराउजिंग द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स. अ नेशन वॉज पर्सनिफाइड इन द माइंड ऑफ पीपल एज अ फीमेल फिगर. यहाँ पर उनको उन्होंने नेशन को कैसे लिया, एक एज अ फीमेल फिगर उन्होंने पिक्चर बनाया उसका कि हाउ द वेन द फीमेल इज टॉर्चर्ड और सफरिंग एंड हाउ यू विल फ्री हर फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स. इस सब चीज़ों से आप उनको फ्री कैसे करोगे, हाउ यू विल फ्री हर, क्योंकि वुमेन के साथ हमेशा ही ये चीज़ें होती रही हैं. सो दे पोर्ट्रेट दैट थिंग एज अ फीमेल कैरेक्टर, जिससे लोगों को सबको समझ में आ गया कि हाउ यू आर बींग टाइड अप विथ योर दिस द पॉलिटिशियंस एंड ऑल दीज पीपल, हाउ दे हैव टाइड यू अप द मोनार्की सिस्टम, हाउ दे हैव टाइड यू अप, उससे आप फ्री हो एंड बी इंडिपेंडेंट एंड फाइट फॉर योर राइट्स, दैट दे टॉट देम. एंड देन द यूज ऑफ वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस एंड पॉपुलराइजेशन ऑफ फोक लोर एंड मोबिलाइजेशन ऑफ मासेस. फॉर एग्जाम्पल इन पोलैंड द यूज ऑफ पॉलिश रिफ्लेक्टेड द फाइट अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस. अब दे वो टीचिंग दैम, दे वो एक्सप्लेनिंग दैम, द ऑल द लिटरेट पीपल जो थे ना उनको अपनी खुद की लैंग्वेजेस में वो एक्सप्लेन करते थे ताकि उनको ईजिली समझ में आए कि हाउ दे हैव टू फाइट, उनको रिवोल्ट कैसे करना है. बिकॉज देखो बहुत सारी डाइवर्सिटी थी तो बहुत सारी लैंग्वेजेस थी, उनको समझ में आया था कि ये लोग क्या बोल रहे हैं. सो दे हैड टू एक्सप्लेन देम इन देयर ओन लैंग्वेज फोकलोर के जरिए. आई टोल्ड यू ड्रामा, ये सारी चीज़ें थी जिससे पब्लिक को वो समझाते थे. देन इकोनॉमिक हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट्स. इन 1830s वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप विथ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, फ्यूडल ऑब्लिगेशंस, ड्यूज एंड राइजिंग प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर वाइड स्प्रेड अनरेस्ट अक्रॉस द कंट्रीज. अब इसकी वजह से देखो बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, फूड ग्रेन की प्राइसेस बिल्कुल हाई राइज हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए लोग बाग, ये सारी चीज़ें चल रही थी. एंड विद एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉइंग पावर. एरिस्टोक्रेसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, उनको किसी भी चीज़ का कोई ग्रेन की प्राइस राइज हो रही है फूड की तो नो प्रॉब्लम, एनी रेवेन्यू दे हैड टू पे टैक्सेज एंड दे वर नॉट पेड अलाउड टू पे, सो ये तो फ्री थे, फॉर देम इट वॉज नो प्रॉब्लम. इन 1848 इन पैरिस फूड शॉर्टेज एंड अनएम्प्लॉयमेंट लेड टू द पीपल्स रिवोल्ट. यहाँ पर फूड शॉर्टेज और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से द पीपल्स स्टार्टेड रिवोल्टिंग कि वॉट इज दिस, वी आर नॉट हैविंग एम्प्लॉयमेंट, वी आर नॉट गेटिंग फूड टू ईट, हाउ वी विल सर्वाइव, वो एक फाइट था. लुइस फिलिप वॉज फोर्स टू फ्ली एंड द नेशन असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल्स अबव 21 एंड गारंटीड द राइट टू वर्क. नाउ दीज पीपल वर नॉट गिविंग राइट टू वर्क ना, सो दीज पीपल दे स्टार्टेड फाइटिंग फॉर देयर राइट्स. हम लोगों को वोट देने के राइट दो, हमें फाइट करने के राइट, हमें वर्क करने का राइट दो, ऑल दीज पीपल दे वर आस्किंग दैट. इन 1845 द सेलिसियन वीवर्स रोज इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर्स हु हैड प्रोवाइडेड देम विद द रॉ मटेरियल फॉर एन ऑर्डर ऑफ फिनिश टेक्सटाइल बिकॉज ऑफ अ ह्यूज पेमेंट रिडक्शन बाय द फॉर्मर. ऑन 4th June at 2 p.m. a group of weavers marched to the contractors' mansion to raise their voice against the injustice.
वन सेक्शन ऑफ द ग्रुप कॉज डैमेज टू द लैटर्स प्रॉपर्टी. अब यहाँ पर जब देखो प्रोटेस्ट करते हैं, दे वो फाइटिंग फॉर द फिनिश गुड, द मटेरियल, रॉ मटेरियल के लिए जो दे वो नॉट गेटिंग द अमाउंट जो उनको चाहिए था, उनको नहीं मिल रहा था ना, दे वो गिविंग यू द रॉ मटेरियल और उसके लिए उनको पैसे कुछ नहीं दे रहे थे वो लोग, तो उसके लिए उन्होंने रिवोल्ट किया. और उस वजह से 4 जून को ये वाले बात हुई थी 2 PM, उन्होंने क्या करा, एक सेक्शन जब वहाँ गया तो उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्टर के मैंशन को डैमेज भी पहुँचाया, वहाँ तोड़फोड़ कर दी उधर, तो वो लोग वायलेंट हो गए एक तरह से. अनदर ग्रुप ब्रोक इन टू द स्टोर हाउस एंड प्लंडर्ड इट ऑफ सप्लाइज ऑफ क्लॉथ विच दे टोर टू श्रेड्स. द कॉन्ट्रैक्टर कॉल द आर्मी फॉर हेल्प एंड वायलेंस एंशूड क्लेमिंग 11 वीवर्स लाइव्स. अब यहाँ पर देखो इस फाइट की वजह से, इस रिवोल्ट की वजह से जो वायलेंट हो गया उसकी वजह से बहुत सारे जो वीवर्स हैं उनकी वो लोग उनकी डेथ भी हो गई, वो मारे गए उसमें. तो ये वाला जो स्टोर हाउस को उन्होंने अटैक कर दिया था उस वजह से ये बहुत गलत हुआ, वायलेंट हो गया था. द लिबरल मिडिल क्लास अक्रॉस कंट्रीज गैदर्ड फोर्स एंड डिमांडेड द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स बेस्ड ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स. मिडिल क्लास प्रोफेशंस, बिजनेसमैन एंड एफ्लुएंट आर्टिसंस केम टूगेदर इन द लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस फ्रॉम वेरीड रीजन्स ऑफ जर्मनी. दे गैदर्ड इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट एंड वोटेड फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली ऑन 18 May 1848. The first session of the Frankfurt Parliament was convened in the Church of St. Paul. The 831 elected representatives of the Parliament drafted a constitution for a German nation to be headed by a monarchy subject to a parliament. यहाँ पर इन्होंने एक parliament बनाया था and 831 elected representatives थे उधर and for them this the parliament drafted the constitution also and headed by the monarchy subject to a parliament. Parliament के तरह मोनार्की था बट पार्लियामेंट द रूल्स एंड रेगुलेशंस के तरीके से वो चलेंगे. यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, देयर वाज यूनिफिकेशन बिटवीन इटली एंड जर्मनी. नेशनलिज्म इन यूरोपियन कंट्रीज वाज नॉट अलाउड, ऑलवेज एसोसिएटेड विद डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन. इन फ्यू रीजन्स कंजर्वेटिव एलिमेंट्स मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग्स फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप. फॉर एग्जाम्पल द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली. हर जगह देखो वो चीज नहीं चल रही थी कि मोनार्की हटाओ, तो सम प्लेसेस कंजर्वेटिव वाला जो आइडिया था वो भी लोगों को प्रेफर हो रहा था. इसी वजह से इटली और जर्मनी क्या है, यूनाइटेड हो गए थे, है ना. दे वर थिंकिंग लाइक कंजर्वेटिव, जैसे कंजर्वेटिव सिंग करते थे ना कि मोनार्की को पूरी तरह से मत हटाओ एंड स्ट्रेंथन करो, अपनी जो स्ट्रेंथ है सब मिलके उसको स्ट्रेंथन करो. यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मन्स. फॉलोइंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट्स इन 1848, रिप्रेसिव मेजर्स वर अडॉप्टेड बाय द फोर्सेस ऑफ मोनार्की एंड मिलिट्री विद सपोर्ट फ्रॉम द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी ऑफ प्रूशिया. द प्रूशियन चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट विद द हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी. यहाँ पर उन्होंने ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो उन्होंने इस्टेब्लिश करा था उसके साथ ये जो एरिस्टोक्रेसी को पूरा सपोर्ट किया था. आई टोल्ड यू लाइक विद द हेल्प ऑफ कंजर्वेटिव इन्होंने जो एरिस्टोक्रेसी थी जो यानी कि जो नॉमोनाक से उनको फुल सपोर्ट करके उन्होंने उसको अच्छे से चलाने की कोशिश करी थी. देन थ्री वॉर्स ओवर 7 years विथ ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस एंडेड इन प्रूशियन विक्ट्री एंड कम्प्लीट द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन. यहाँ पर इन्होंने ये तीन जो थे तीन थ्री वॉर्स हुए थी इनमें 7 years में. किस किस के साथ हुई थी, ये तीन थे ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, और वो कहाँ पर एंड हुई, प्रूशियन विक्ट्री में एंड कम्प्लीट द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन. इससे जर्मनी और जो इटली थी वो यूनाइटेड हो गया. एंड इन जनवरी 1871 विलियम वन वॉज प्रोक्लेम्ड द जर्मन एम्परर एट वर्सलेस. यहाँ पर जर्मन एम्परर उसको किसको बनाया, विलियम वन को, एंड एट वर्सलेस. नाउ यूनिफिकेशन ऑफ इटली, उधर क्या हुआ था, इन 1848 इटली वॉज डिवाइड इन टू सेवन स्टेट्स पर डिवाइड हुआ था. पीपल लिविंग इन दिस स्टेट्स बिगेन थिंकिंग देमसेल्व्स एज यूनाइटेड नेशंस एंड फाइनली आफ्टर मच स्ट्रगल एंड रेवोल्यूशन इटली वॉज यूनाइटेड. बहुत सारा स्ट्रगल हुआ सब हुआ तब जाके इटली यूनाइट हुआ. फर्स्ट रीजन टू बिकम अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड इटली वॉज सर्दिनिया पेडमोंट फॉलोड बाय द नॉर्दर्न स्टेट्स. सर्दिनिया पेडमोंट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द फोर्जिंग ऑफ अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस दैट लेड द फॉर्मर टू डिफीट द ऑस्ट्रियन फोर्सेज इन 1859. यहाँ पर इन्होंने डिप्लोमेटिकली फ्रांस के साथ जो अलायंस बनाया उससे क्या हुआ,
जो पहला वाला जैसे ये सर्डियन पेडमोंट जो था ना, उसको डिफीट कर दिया ऑस्ट्रियन फोर्सेस ने 1859 में. काउंट कैमिलो डे कवर वॉज वन ऑफ द लीडिंग फिगर्स इन द इटालियन यूनिफिकेशन. ही वॉज नीदर अ रेवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट. ये जो था इनका मेन रोल था यहाँ पर जो इटालियन यूनिफिकेशन में, क्योंकि वो ना ही रेवोल्यूशनरी था ना ही वो डेमोक्रेटिक थिंकिंग का था. इन 1860 गिप्स गैरबाल्डी अलॉन्ग विथ हिज आर्म्ड वॉलंटियर्स ऑफ रेड शर्ट्स अटैक्ड सिसिली एंड नैपलिस एंड कैप्चर्ड देम. लेटर बोथ द रीजन्स वर इंक्लूडेड इन द सर्दानिया पेडमोंट. इन 1861 विक्टर एमैनुअल सेकेंड वॉज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली. यूनाइटेड इटली का किंग किसको बनाया? विक्टर एमैनुअल सेकेंड को. द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स ज्वाइन द यूनियन इन द ईयर 1860. यहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ा जो था ग्रुप उन्होंने ज्वाइन कर लिया 1860 में इटली को. द स्ट्रेंज केसेस ऑफ ब्रिटेन. देर वर नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी. It, as the English nation became to possess power and wealth, it became dominant and exerted influence over other nations of the island. In Britain, the formation of nation state was a result of long drawn out process. The English Parliament, which had seized the monarchical power in 1688, was the major instrument through which the nation state was forged. यहाँ पर देखो ये इंग्लिश पार्लियामेंट जो था दैट वाज इट हैड सीज द मोनार्कियल पावर. मोनार्कियल पावर को उन्होंने हटा दिया था कब? 1688 में. एंड वाज अ मेजर इंस्ट्रूमेंट टू विच द नेशन स्टेट. नेशन स्टेट फॉर्म करने के लिए ये वो था. द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. यहाँ इन्होंने 1707 में ये यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म किया. द ब्रिटिश नेशनल्स कंसिडर ब्रिटानिया एज अ सिंबल ऑफ ब्रिटिश नेशन. द सिंबल ऑफ द न्यू ब्रिटेन वॉज द ब्रिटिश फ्लैग यूनियन जैक. द नेशनल एंथम गॉड सेव आर नोबल किंग. ये उनका नेशनल एंथम था. एंड द इंग्लिश लैंग्वेज. दीज सिंबल्स वो एक्टिवली एंडोर्स्ड अमंग द मासेस. ये सब लोगों के दिमाग में घुसाया गया कि आपको यही वाला नेशनल एंथम गाना है और आपको ये यूनियन जैक जो फ्लैग है वो ही यूज करना है. आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इन टू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801. आयरलैंड को जबरदस्ती उन्होंने उसमें यूनाइटेड किंगडम में इन्वॉल्व किया. उनको बोला कि आप भी हमारा ही पार्ट होगे. एंड नेशन इन विजन. नेशंस वो पर्सोनिफाइड बाय द आर्टिस्ट इन 19th सेंचुरी यूरोप इन द फॉर्म ऑफ फीमेल फिगर्स. ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन आर्टिस्ट यूज द फीमेल एलिगरी टू पोर्ट्रे आइडिया सच एज लिबर्टी जस्टिस एंड द रिपब्लिक. हियर आई टोल्ड यू दैट फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी एक फीमेल फिगर को एज अ सिंबल लिया था. उन्होंने बताया था कि हाउ द फीमेल इज टाइड अप इन द जैसे या तो चेन्स में या फिर उसके ऊपर कांटों का क्राउन रखा हुआ है. इस तरह से वो लोग उसको पोर्ट्रेट करते थे ताकि बताने के लिए कि सी हाउ मच यू आर डिपेंडेंट ऑन समवन. ये मोनार्कियल सिस्टम आपके साथ क्या कर रहा है उसको पोर्ट्रेट करने के लिए उन्होंने फीमेल फिगर का हेल्प ली थी. फ्रांस वॉज क्रिश्चियन एज मरियना मरियन अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम. द फीमेल फिगर जर्मनिया वॉज एन एलार्गी ऑफ द जर्मन नेशन. जर्मनिया वेयर्स अब जर्मनिया क्या पहनती थी? उसका था क्राउन ऑफ ओक लीव्स एट द जर्मन स्टैंड फॉर हीरोइज्म. द रिप्लेसमेंट ऑफ कैसर्स क्राउन विद ब्रोकन चेन रिफ्लेक्टेड द ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द मोनार्कियल सिस्टम. ये इन्होंने जो पिक्चर किया था ना, एक तो उनका था जर्मनिया ने जो पहन रखा था ना ओक लीव्स का उन्होंने क्राउन पहन रखा था, वहाँ पर वो उसको बताते थे एज अ हीरोइज्म कि हम लोग जीत गए. एंड यहाँ पर उन्होंने एक जो फीमेल फिगर को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था कि चेन है जो कि टूट गई है, इसका मतलब नाउ वी आर फ्री फ्रॉम द मोनार्कियल सिस्टम. इस तरह से वो पिक्चर्स को पोर्ट्रेट करके लोगों को बताते थे, समझाते थे कि हाउ यू विल फील व्हेन यू विल बी फ्री फ्रॉम द मोनार्कियल सिस्टम. नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म. द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी इन यूरोप वाज मार्क्ड बाय हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट्स लेड बाय डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. ये जो 19th सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ है यूरोप में वो पूरे टाइम उनके हार्डशिप थी, हंगर थी, द पीपल वर नॉट गेटिंग फूड टू ईट, उनको लड़ाई झगड़े करने पड़ते थे. एंड पॉपुलर रिवोल्ट्स मतलब वो लोग रिवोल्ट करते थे अगेंस्ट द मोनार्कियल सिस्टम. बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी द मीनिंग एक्वायर्ड बाय द नेशनलिज्म विटनेस चेंज. यहाँ पर एंड ऑफ द 19th सेंचुरी में उनको मीनिंग पता चला नेशनलिज्म का. एंड इंपीरियलिज्म एज अ पॉलिसी वॉज फर्दर्ड फॉर पॉलिटिकल गेन्स बाय मेजर यूरोपियन पावर्स इन द नेशन इन द नेम ऑफ नेशनलिज्म. यहाँ पर पॉलिटिकल गेन्स के लिए क्या हुआ,
एक नेशनलिज्म का नाम, हाँ हम नेशनलिज्म है, वी आर फाइटिंग, तो वो पॉलिटिकल एक वो भी फोर्स भी था उनको, जो कि उनको हेल्प नहीं कर रहे थे एक तरह से, वो लोग उनको जस्ट गुमराह कर रहे थे अदर वे में, दे वर टेकिंग देम एंड द बाल्कन रीजन बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंसिव कॉन्फ्लिक्ट. यहाँ पर बाल्कन रीजन था, वो था वो सबसे इंटेंसिव एरिया था जहाँ पर फाइट होती थी हमेशा, कॉन्फ्लिक्ट. अ सीरीज ऑफ वॉर्स इन द बाल्कन लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1914. यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुई थी. एट दिस जंक्चर मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड वर फाइटिंग एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स विद द एड ऑफ देयर ओन टेलर्ड नेशन ऑफ नेशनलिज्म. फिर ये सारा देख के बहुत सारी कंट्रीज जो हैं छोटी मोटी वो सब फाइट कर रही थी फॉर अ नेशनलिज्म. दे ऑल वॉन्टेड नेशनलिज्म, दे ऑल वॉन्टेड रेवोल्यूशन बिकॉज दे सॉ फ्रेंच रेवोल्यूशन प्लस दिस यूरोपियन नेशनलिज्म. सो इवन दीज पीपल दे वॉन्टेड फ्रीडम फ्रॉम द मोनार्कियल सिस्टम. थैंक यू.